हाइड्रोथेरेपी का एक प्रकार है, इसको न्यूट्रल इमर्शल बात कहते हैं। ये न्यूट्रल इमर्शल बात में, ये टब बात में जो भाई साहब को सुलाया गया है, एक्चुअली इसमें से न्यूट्रल वाटर होता है। बिफोर पहले ये टब बात में जो पूरा भराया जाता है, जैसे अक्सर पहले तो शावर लेके यहाँ पे ये सेक्शंस में इनको बुलाते हैं, पहले तो दो ग्लास पहले पानी पिला के सिर के ऊपर ठंडा पट्टी रखते हैं और पेट के ऊपर हल्के हाथ से मालिश करा के ये सारी ट्रीटमेंट्स इनको फरमाई जाती है। अक्सर ये ट्रीटमेंट्स लेने से इतना गुणकारी फ़ायदा होता है कि तमाम इसे ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता है, बॉडी के अंदर की हीट कम होती है, दूसरा इनको पाइल्स हो या फिशर हो या फिस्टुला हो, ये सारी शिकायतें होती है, इन शिकायतों से इससे छुटकारा मिल सकता है। यहाँ तक इनको हेयर लॉस की शिकायत हो, यहाँ तक किसी को स्ट्रेस की शिकायत हो, दूसरा जॉइंट पेन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद करती है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के पानी डाले जाते हैं, बॉडी में हीट है तो ठंडे पानी से दिया जाता है और जॉइंट पेन है तो गर्म पानी से इसको दिया जाता है। दो स्टेप की वजह से अपन बॉडी का टेम्परेचर चेक के पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं उसे, और इसमें से इप्सम सॉल्ट डाल के ये ट्रीटमेंट्स दी जाती है। तो अक्सर ये ट्रीटमेंट्स का इतना बेनिफिट है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का एक मोमेंटेबल फ़ायदा होता है इससे, दूसरा कि वेट रिडक्शंस के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है, तीसरा एक गायनिक रिलेटेड भी, एक जिनको कोई गायनिक रिलेटेड शिकायत हो लेडीज़ में तो अक्सर ये लेडीज़ के लिए भी ये गायनिक के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये बहुत ही इमर्शल टब बात की जो ट्रीटमेंट्स जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट्स हैं। ये इसका लेने का कालावधि यही है कि आप पानी पी के यहाँ पे आइए और सिर के ऊपर पट्टी रखिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये न्यूट्रल वाटर में या हॉट एंड कोल्ड वाटर में इनको सुलाया जाता है और सुला के ये ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके बाद इनको फिर दो ग्लास पानी पिलाया जाता है प्रिकॉशंस के लिए और फिर शावर लेके फिर बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए इनको रेडी किया जाता है। ये सारे भाई साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारी ट्रीटमेंट्स लेने में, और देखा जाए तो ये पानी जैसे ठंडा भी हो तो गर्म ठंडा पानी चेकअप किया जाए और इनको 15 से 20 मिनट के बाद इनको उठा के फिर पानी को चेकअप किया जाए तो ये पानी रियली गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरा बॉडी की जो हीट है वो नीचे यहाँ पे उतर जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही गुणकारी ट्रीटमेंट जो इमर्शियल बात उसको कहते हैं कि जो अपने शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी ट्रीटमेंट है।